हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीके स्टडी ग्रुप। मैं विनोद कुमार पटेल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समुद्री गायों के लिए देश के पहले कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, जिसका हाल ही में भारत सरकार के द्वारा गठन किया गया। और ये कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनाया गया है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में ही मिलने वाला है। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको टेलीग्राम पर सभी वीडियो और पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में गायों का कितना महत्व है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने वाले हैं समुद्री गायों की। ये टॉपिक तब और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से भारत को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने के संदर्भ में जवाब मांगा गया है। तो ये आपको यहाँ पर हम इस वीडियो में डुगोंग कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे। डुगोंग क्या है, इसे डुगोंग क्यों कहते हैं। जनरली डुगोंग जो है समुद्री गाय को कहा जाता है। डुगोंग कंजर्वेशन यानी के लिए ही प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस मनाया जाता है। डुगोंग को वर्तमान में समुद्री कछुए यानी सी टर्टल्स और समुद्री घोड़े और समुद्री खीरे के समान संकट का सामना करना पड़ रहा है। आइए कुछ भी छोटी जानकारी जान लेते हैं समुद्री गाय के बारे में। इसकी लंबाई 2.5 से 4 मीटर तक हो सकती है। वजन 1500 किलोग्राम। आयुकाल इसका 50 से 60 वर्ष और गर्भधारण करने का जो काल है 12 से 14 महीने तक। समुद्री गाय अपने पूरे जीवन काल में 5 से 6 बच्चे ही देती है, जिसमें से इनके प्रत्येक शिशु के मध्य में 5 से 7 वर्षों का न्यूनतम अंतराल होता है। शरीर इनका लंबा गोलाकार, पूंछ वेल के समान यानी समानांतर होती है, हॉरिजॉन्टल शरीर के समानांतर होती है, जिसे तैरने में आसानी होती है। तो ये आप इस वीडियो में इन्हें देख पा रहे होंगे। जनरली मछलियों की जो पूंछ है वो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करती है, इनका अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। अब आप देखते हैं डुगोंग के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। डुगोंग अपने भोजन के लिए मुख्यतः समुद्री घास पर निर्भर रहता है और एक दिन में एक डुगोंग 40 से 90 किलोग्राम तक समुद्री घास खा लेता है। समुद्री वाहनों यानी जो बड़े बड़े समुद्री जहाज हैं, उनके कारण समुद्री घास में लगातार कमी हो रही है, जिसके कारण इनकी संख्या भी घटती जा रही है। डुगोंग समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि डुगोंग की संख्या में कमी आती है तो संपूर्ण खाद्य श्रृंखलाएं इससे प्रभावित होंगे। समुद्री जो घास है, जो कि समुद्री गाय का प्रमुख भोजन है, यह छिछले उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय तटीय सागरों क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इसलिए ये डुगोंग भी इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर पाए जाते हैं। तो डुगोंग की जो समक्ष दूसरी चुनौती है, इनमें मानव गतिविधियों के कारण इनके संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये मानव गतिविधियों में कम कर इनके आवास का विनाश, व्यापक जल प्रदूषण, बड़े पैमाने पर मत्स्य गतिविधियां, समुद्री जहाज़ों की आवाजाही, अवैध शिकार में लगातार वृद्धि होना और अनियोजित पर्यटन। डुगोंग को भारत में IUCN की वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की Schedule 1 यानी अनुसूची 1 के तहत रखा गया है, जिसमें वन्य जीवों को मरने पर अधिकतम 7 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है। समुद्री गाय को IUCN की रेड डाटा लिस्ट में वल्नरेबल की सूची में रखा गया है। अब डुगोंग का भारत में वितरण देखें। डुगोंग भारत में कहां कहां पाया जाता है। वर्ष 2013 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय तटीय क्षेत्र में केवल 250 डुगोंग बचे थे। भारत में केवल मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह तथा कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर भारत के सभी तटीय क्षेत्रों में डुगोंग नहीं पाई जाती हैं। डुगोंग एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी जीव है जो जीव अपने जीवन के लिए पूरी तरह समुद्र पर निर्भर रहता है। आपको बता दें कि यहाँ पर डुगोंग के अलावा एक और ऐसा स्तनधारी है जो पूरी तरह से समुद्री घास पर निर्भर रहता है, जिसे मेनाटी कहा जाता है। ये भी समुद्री गाय जैसा ही होता है। समुद्री गाय कुल 37 देशों जिसमें से उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय तटीय और द्वीपीय देश भी शामिल हैं, इनमें पाए जाते हैं। समुद्री जो आपका
डुगोंग है, डुगोंग के लिए अभी वर्तमान में क्या क्या संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने पाक जल डमरू मद में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र गठित करने का फैसला किया गया है। तो यह जो संरक्षण केंद्र खोला गया है ये तमिलनाडु सरकार द्वारा खोला गया है। यह संरक्षण केंद्र 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत होगा। तमिलनाडु सरकार ने समुद्री वन्य जीवों को अपराधों से बचने और समुद्री वन्य जीव की तस्करी से निपटने के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन का भी निर्णय लिया है। आपको बता दें कि समुद्री गाय अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राज्य पशु भी है। वहाँ इसे समुद्री सुअर यानी सीपिक के रूप में राज्य पशु बनाया गया है। समुद्री गाय का जो मादा है ये अपने बच्चों का जन्म किसी रेतीले भाग पर ही देती है और यह रेतीला भाग समुद्री तटीय क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्री गाय हैं ये पिछले 5 करोड़ साल से पृथ्वी पर मौजूद हैं और वर्तमान में भारत में इनकी संख्या लगभग 1000 हो चुकी है और पूरे विश्व में इनकी संख्या लगभग 10000 के आसपास हो गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब आज के वीडियो का आखिरी आपका प्रश्न, आइए आज के सवाल में देखते हैं, इनमें से कौन सा समुद्री जीव शुद्ध शाकाहारी है। आपको ऑप्शन है समुद्री गाय और मिनाटी, समुद्री गाय एवं समुद्री घोड़ा, समुद्री कछुए एवं समुद्री खीरे, या इनमें से कोई नहीं। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।